चोलंगा मैं तेरा मसा मैनू चानन दिखावे, तेरा मसा मैनू चानन दिखावे, पावे दुखा ते हनेरिया चोलंगा मैं तेरा मसा मैनू चानन दिखावे, तेरा मसा मैनू चानन दिखावे, जिदा जोर बन जावे यहोवा, 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 गोलियत नु बीमार मुकावे, ओ गोलियत नु बीमार मुकावे, ओ वगदे तूफाना नु, वगदे तूफाना नु वापस मोड़दा है, रखदे तूफाना नु, रखदे तूफाना नु वापस मोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है, ओ तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, हालेलुया, तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, तेरा मसा यीशु बदना नु तोड़दा है, तेरा मसा यीशु ननु थोड़ता है, हालेलुया 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 हालेलुया, सब मिलके कहेंगे हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 पावे जंग दे मैदान विच होवा मैं, तेरा मसा मैनू आन बरसावे, तेरा मसा मैनू समनुआन बचावे, पावे जंग दे मैदान विचे होवा मैं, तेरा मसा मैनुआन बचावे, तेरा मसा मैनुआन बचावे, तेरा जोर ते ओ मेरी ताक, मेरा जोर ते ओ मेरी ताक, मेरा जोर ते ओ मेरी ताक, मेरा जोर ते ओ मेरी ताक, जित हर विल मैनू दिलावे, 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 वगदे तूफाना नु, वगदे तूफाना नु वापस मोड़दा है, हालेलुया, वगदे तूफाना नु वापस मोड़दा है, ओ तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है, हालेलुया, तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए मिलके और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए शिफा की कुवत चाहिए तेरा मामूर चाहिए शिफा की कुवत चाहिए तेरा मामूर चाहिए बंधन जो तोड़े ऐसा ऐसा वो जोर चाहिए बंधन जो तोड़े जैसा ऐसा वो जोर चाहिए तेरे रू का मसा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए ओ पावा मैं तमाल यीशु दी 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 पावा 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 मैं तमाल यीशु दी 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 ओ पावा मैं तमाल यीशु दी पावा मैं तमाल यीशु दी ओ पावा 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 मैं तमाल यीशु दी पावा मैं तमाल यीशु दी पलड़ा जो उसदा पड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो उसदा पड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो उसदा पड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पलड़ा जो यीशु दा फड़दा बेड़ा है उसदा करदा पावा मैं तमाल यीशु दी पावा मैं तमाल यीशु दी पावा मैं तमाल यीशु दी पावा मैं तमाल यीशु दी
पावा मैं तमाल यीशु दी, पावा मैं तमाल यीशु दे, ओ पावा मैं तमाल यीशु दी, पावा मैं तमाल यीशु दी, हालेलुया पावा में तमाली शुदी मेरे परमेश्वर पिता हमें आपकी जरूरत है, मेरे परमेश्वर ये बालो बहुत सिखा रहा बाबा ना तबारा नमा प्रभु जी आपकी हमें जरूरत है, आपका अभिषेक की हमें जरूरत है। आज मेरे परमेश्वर हम आपके पवित्र वचन में से जब देखेंगे कि अभिषेक और उसके लाभ क्या होने वाले हैं, मेरे प्रभु जी इनके जीवनों में आज अभिषेक हो और वो सभी लाभ इनके जीवन में आ जाए। दया करें मेरे परमेश्वर पिता, दया करी बोरोसो बोनो सखा बारा सिबिरी बिशे दलसो को बोनी ते बाला बाला लबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद। रिहाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, 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 चंगाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, चंगाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, रिहाई 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 जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, चंगाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, चंगाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम। हर पल अखां च हनेरे मेरे रहंदा सी, हर पल अखां च हनेरे मेरे रहंदा सी, पैर मेरा हर वेले ठोकरां च रहंदा सी, पैर मेरा हर वेले ठोकरां च रहंदा, रिहाई जिन्हें दीती है यीशु दा नाम, 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 रिहाई जिन्हें यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें दीती है 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 यीशु दा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, सब लोग पुकारे यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम को, वो नाम जो सब नाम में सुनता है, यीशु नाम नाम नाम,
यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु सब लोग यीशु नाम 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 यीशु चंगा करता 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 नाम यीशु हालेलुया यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 प्रभु यीशु के नाम को पुकारे यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 पूरी बाला बारन मत बरु रूप तेरे के तेरे रे बिशदे बेरे ने में थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद पूरी बरे रे बेते के रे बिशदे बाला 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 ला बरा दा बरा डबा पूरी बेने रे बेते के रे बिशदे बेरे ने बिशदे बाला बाला बरा डा बरी दा बरा नमा तिबिरी नी बिशदे बेरे ने में तेरे बेते के रे बिशदे बरा नमो ओ लॉर्ड जीसस धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता थैंक यू लॉर्ड जीसस रोबोनोस बोनोमोत बिरिरी बिशदी बिरिनी मी रिखाना मोत बोरो बोबोरी सिखी बिरिनी मी तेरी गीत गिरिनी मी रसबनस बोनोमोस अखला बर रबा थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु जी ओए सिनी खिरी बिनामा ओए पाकेरु एरु हे पान हे पाकेरु एरु हे पान ए पाकेरु ए रूहे पाक ए पाकेरु ए रूहे पाक सब जन ऊंची आवाज से कहेंगे ए पाकेरु ए रूहे पाक ए पाकेरु ए रूहे पाक अपने हाथों उठाते हुए उस महान परमेश्वर का महिमा देंगे ए रूहे पाक ए पाकेरु चुक के खड़ा में तेरे परते हाथ चुक के खड़ा में तेरे दरते मंगा में मसा पाक रूदा 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 मेरा एक एक सा मसा कर दे मेरा एक एक सा मसा कर दे मंगा में मसा पाक रूदा मंगा में मसा पाक रू हालेलुया मंगा में मसा पाक रूदा 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 हाथ चुक के खड़ा में तेरे दर से हाथ चुक के खड़ा में तेरे दर से मंगा में मसा पाक रूदा 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 मेरा एक एक सा मसा कर दे मेरा एक एक सा मसा कर दे मंगा में मसा पाक रूदा मंगा में
मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा, मंगा में मसा पाक रूदा। रबला बरा बला बरा बला बरा बला बरा बसा लखा रबना मारी बिसली किर बिनामा। खोल दे आसमान अपना रूदिया अकबर सादे, पाक रू नाल भर दे मैनू अपना जलवा वखा दे, पाक रू नाल भर दे मैनू अपना जलवा वखा दे, मेरे सिर से जलाली हाथ धर दे, मेरे सिर से जलाली हाथ धर दे, मंगा में मसा पाक रू दा, 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 हे पाक रू रू हे पाक, हे पाक रू हालेलुया, हे पाक रू रू हे पाक, 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 हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे दर दे, हाथ झुक के खड़ा मैं तेरे दर दे, मंगा मैं मसा पाक रू दा, मंगा मैं मसा पाक रू, हालेलुया, मंगा मैं मसा पाक रू दा, मंगा में 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 मसा पाक रू दा, ओए घर से किरे ना सता तो रू ले बेच खड़ा करो बोला बो मसा पाक रू दा, मंगा में मसा पाक रू दा, मंगा में मसा पाक रू दा, ओए मंगा में मसा पाक रू दा, 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 तेरा एक एक साम सा कर दे, मेरा एक एक साम सा कर दे, मंगा में मसा पाक रू दा, 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 बालो सो बोरो सो खो बोनी सीख ली बिनी माँ तेरी तारीफ हो, ऊरी बाला बारा बाबा रा बा तिंबरु सी बिनी सिखला बर रबा सिखरी भिषित बर नमा दोबरु बस सिखला बर नमा होरी बाला बाबा रा दबा नमा तेरी बीत गिरी डी भिषित बिरी नी मिति बिरी डी भिषित बाला बाला रबा तेरी तारीफ हो सब लोग थोड़ी देर यही कहते रहेंगे तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु री बरा सबा सखा बलो बोलो बबो सिखा बाबा तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी
की तारीफ हो मैं यीशु रब सलख रब नमा तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो अपने हाथ प्रभु की ओर उठाते हुए अपने सिर की ओर उठाते हुए तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु रब सलख रब लब लब तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु रब लब रब लब तेरी तारीफ तेरी तारीफ हो यीशु तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरे रब लब रब सलख रब नमा तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु ओरी बाला बाबा रसा खबाना नमन दबा दबा सिखरो बोनो सिबरी बी तिबरी नीबी तिगिरी डी बिशी दबा ला बाला 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 ला बाला दबा दबा री तिबरी नीमी तिबरो सोको बोनो सबाला बासा खबानी तिबरी डी बिशी दबा दबा स्वर्ग के परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी जो भी हमने आराधना की आपने इस आराधना को ग्रहण किया उसके लिए आपकी तारीफ महिमा और स्तुति करते हैं। आज मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपा हुआ मेरे परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है पिता मेरे परमेश्वर पिता पर विश्व मसीह जी आए और हमारी सहायता करें मेरे प्रभु जी। अभी जब गवाहियां सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता तो आप हमारे बीच में अद्भुत काम करें मेरे परमेश्वर इन गवाहियों को सुनकर दूसरे लोग भी आशीषित हों ब्लेस करें अनुग्रह करें मदद करें स्वर्गीय पिता बाकी का समय आपके हाथ में सौंपता हूँ पर यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं हे स्वर्गीय पिता सुन और ग्रहण कर लेना सब लोग कहें आमीन आमीन। थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस। सो अभी हम लोग कुछ गवाहियां जो हैं कि कैसे प्रभु ने जीवन में चमत्कार किया उनको हम लोग सुनेंगे और थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभु जी। तो कुछ लोगों को सबकी गवाही नहीं सुन पाएंगे हम लोग कुछ लोगों की गवाही जरूर हम लोग सुनेंगे। ज्योति
koribala sabana sokobono sibiri shikara sabalo bobono sabari bashidale sakabono. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dhanyavaad meri parmeshwar pita. Robana sabaro sobori sibiri sakhalabani dibedire beshida bala bala laba. सच में प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और लोगों के जीवनों में प्रभु ने बहुत बहुत बड़े आश्चर्यकर्म किए हैं, इसलिए परमेश्वर की तारीफ महिमा और स्तुति करते हैं। सो हम लोगों ने, क्योंकि माहौल ऐसा है, किसी भी एक आम व्यक्ति को आज नहीं बुलाया हुआ चर्च में, और सभी जो हैं प्रभु के जो चुने हुए हैं वो सब हमारे बीच में हैं। सो हम लोग गवाही सुनते हैं। हाँ जो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी ना, तो मैं दुष्ट आत्मा से घिरी रहती थी हर टाइम। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता था, मैं सिर बांध के रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी मेरे हर टाइम में, मतलब कि ऐसे दुष्ट आत्मा आ जाती थी और घर को पूरे परिवार को दुखी तो करती क्या, थी क्या था जी इधर मेरे तरफ हाँ। क्या था? दुष्ट आत्मा आती थी। कब कब से कितना समय रही दुष्ट आत्मा? जो मेरी शादी हुई थी ना, उसके साल बाद ही मैं ऐसे हो गई थी। बाद में बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, सिर में दर्द रहने लग गया, सिर बांध बांध के सोती थी हर टाइम, दवाइयां लेती थी। तो दुष्ट आत्मा जब आती, क्या होता, क्या था आपको, क्या दिक्कत? ऐसे कहती थी भी तुझे लेके जाऊंगी साथ में, तुझे साथ लेकर जाऊंगी जी। दुष्ट आत्मा कहती तुझे साथ लेके, साथ लेकर जाना मतलब जैसे वो मरी है तेरे को भी साथ लेके जाऊंगी। कहती कभी कहती कि तू पखे के लटक जा, कभी कहती कि अपने आप को बाहर गली में जाकर बैठ जा, ऐसे मतलब आपको आत्महत्या करने के लिए दुष्ट आत्मा कहती थी भी आत्महत्या कर ले, पंखे से लटक जा। और ये बहुत एक बात है, हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जो है वो लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं ना। अभी हम लोग वीरा की गवाही भी सुनेंगे जब, तो उसको भी क्या दुष्ट आत्मा ऐसे आत्महत्या करने के लिए उकसाती रहती थी। तो दुष्ट आत्मा आपको मतलब आपके दिमाग में ऐसा उसने बना दिया था भी आत्महत्या कर ले, पंखे से लटक जा। दिमाग मेरा फटने को होता था, नशे फटने के होते, जब तक दवाइयां ना लेके सोती, नशे में सोती थी मैं। जब भी नशा करके ना सोती ना, ऐसे होता था मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हरकत कर दूं, नशे की दवाई लेकर आप सोते थे, ऐसे होता था। और जब ना सोती ना ऐसे दवाइयां लेकर, तो ऐसे होता है या तो कोई ऐसी हरकत कर दे, घर वालों को परेशान करना, बच्चों को, कोई भी मेरे पास नहीं बैठता था, डरते थे सभी, एक साइड देखने लग जाती तो देखती रहती। फिर आप इधर उधर कई जगह पे गए होंगे कि नहीं जी? साने बहुत बुलाए हमारे घर पे, बहुत सियाने मतलब तांत्रिक, तांत्रिक सियाने बुलाए, तांत्रिक बुलाए, अपने घर पर बुलाते थे? अपने घर पे बुलाते थे, इधर ही किराए के मकान पे बुलाते थे। अच्छा, आपका अपना मकान नहीं था? नहीं, हमारा किराए का मकान था। अभी तो आपका अपना है? हाँ जी, अब तो अपना है। मुझे याद है जब आपके किराए का मकान था तो मैं आपके घर गया था। बंदगी की थी, उससे दो महीने बाद ही हमारा मकान बन गया। उसके दो महीने बाद जब आपके घर बंदगी थी, हम लोग गए थे, आपके किराए का मकान था, दो महीने बाद आपका अपना मकान बन गया। पहले आप किराए पे रहते रहे इतना समय? पहले मैं शादी करके आई थी, मैं किराए के मकान पे आई थी। अच्छा, जब तेरी शादी हुई तो उस समय किराए के मकान पे आई, किराए का मकान था जी। तो पहले तो परमेश्वर ने मेरे को चंगाई दी, मेरे को पूरी तरह से फ्री किया परमेश्वर ने। मेरे ऊपर प्रार्थना हुई, मैं चर्च में आई, परमेश्वर ने मेरे को छुआ और एकदम से ऐसे लगा कि जैसे मेरे को मेरा पिता मिल गया हो। रोना आया मेरे को बहुत ज्यादा। आपके आपके जो देवरानी थी उसमें दुष्ट आत्मा थी ना? हाँ जी, एक बार लेके आए थे इधर ही। हाँ, या चर्च में लेकर आए थे उसको। तो आपके देवरानी में भी दुष्ट आत्मा थी। तो जब आप परमेश्वर मसीह के पास आ गए तो परमेश्वर मसीह ने आपको चंगा कर दिया। अब तो तांत्रिकों के पास नहीं जाते? नहीं, नहीं, अच्छा, अब नहीं जाते। तो प्रवेश मसीह ने आपको चंगा कर दिया, बिल्कुल दुष्ट आत्मा निकल गई। वो जो आपके आपको नींद की दवाई लेकर सोते थे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट जो, और बच्चे ना मेरे हर टाइम बीमार रहते थे, दवाइयाँ बच्चों की भी दवाइयाँ चलती थी हर टाइम, बच्चों को कभी किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे, कभी कोई डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, मेरे बच्चों की परमेश्वर ने दवाइयाँ छुड़वा दी। मैं परमेश्वर हर समय बच्चे बीमार रहते थे। हाँ जी, और आप परमेश्वर मसीह में आकर अब चंगे हो गए बिल्कुल। बच्चे भी नहीं दवाई लेते, मैं खुद भी नहीं दवाई लेती, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर हमारा मकान भी दिलाया और मेरे देवर की शादी भी हुई। सो परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया, बड़ी बात। परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए, पाप क्षमा किए, आपने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और आपको उद्धार हुआ, मुक्ति मिल गई है ना, परमेश्वर से मेल आपका हो गया और पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा तो मेरे को बहुत आता है, बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा की भरपूरी आती है, पवित्र आत्मा से आप भर जाते हो। और अन्य अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा आती है, भजन भी अन्य भाषा में गाती हूँ, घर पे भी सामर्थ्य से भर जाती हूँ, घर से भी सामर्थ्य से भरते हो। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की तारीफ और स्तुति करते हैं। सीमा, इसके बाद में रोशनी तैयमल, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। सो हमारे बीच में एक बहन है, सीमा इसका नाम है। तो आप प्रभु में आने से पहले कैसे थे, क्या हुआ था आपको? जब परमेश्वर मसीह में आप नहीं आए थे, उससे पहले क्या हुआ था? मैक में बोलना बेटा, है ना? और हाथ में और पांव में बहुत ज्यादा दर्द था। जब मास्क लगाते हैं, मास्क का यह मतलब होता है मुंह और नाक ढकना। मास्क का मतलब ऐसे मुंह ढकना नहीं होता, ऐसे मुंह ढक ले बस, नाक ढकना, ठीक है? आप लोग भी अभी जब प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, आपको एक एक पेज हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है? आपके पास एक एक पेज है कि कोरोना के मामले में, महामारी में क्या 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 कुछ करना है, चर्च के क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, और इस बारे में ही आपको बुलाया है कि आप लोगों को जागरूक कर सकें, ठीक है? तो आप मुंह और नाक दोनों, क्या होता था, आप दबा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में जब नहीं आए तो क्या होता था? प्रभु में आने से पहले मेरे एक हाथ में और पांव में बहुत ज्यादा दर्द था। एक हाथ और एक पांव में? हाँ, एक साइड में, एक साइड में। कौन सी साइड? ये साइड थी, ये साइड में। और बहुत ज्यादा दर्द होता, 10 साल पहले से दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, कोई राम नहीं मिला। 10 साल तक रहा, 10 वर्ष तक? हाँ जी, 10 वर्ष तक रहा, और डॉक्टर बोलते नाड़ी ब्लॉक हो गई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा उनको भी कुछ। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं नाड़ी ब्लॉक होगी जी, और दुआई लेते रहे, कोई राम नहीं मिला। उधर उधर इधर उधर तांत्रिक के पास भी दिखाया, कोई राम नहीं मिला। तो तांत्रिक क्या कहते? तांत्रिक कहते कोई लड़की है, वो गुजरी हुई है, वो परेशान करती है आपको, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा कुछ, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, ये करो वो करो। क्या कहते? कहते कोई, कभी लड्डू मंगाते, कभी कुछ मंगाते, साथ बात की, कभी बोलते फ्रूट लेके आओ, कभी कोई भी। आपको आपको आपसे टूना भी करवाते थे, मुझे लिख कर दिया हुआ है। हाँ जी, आपसे टूना भी करवाते थे। हाँ जी, आपसे कहते थे क्या करना है, चुराहे पे जाकर क्या, वो बताओ ना आप। रस्ते में रखे क्या, वो भी जो भी मंगाते थे वो। आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो बीमारी है, वो क्या करो, टूना कर देते थे और चुराहे में, चुराहे पर रखने के लिए कहते थे। हाँ जी, चुराहे पर रखो, भी अपने आप जो सबसे पहले ऊपर से जाएगा उसको वो दुष्ट आत्मा भूतबा चिमड़ जाए, बीमारी मूरी हो जाए और आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, है ना? ये कहते हैं ना दुष्ट, वो क्या नाम है, तांत्रिक। तांत्रिक, हाँ जी, पर कोई राम नहीं मिला वहां से मेरे को, और मेरे घर में जी है, वो भी बहुत ज्यादा बीमार रहते। आपको राख खाने के लिए, स्वाद जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, आपको राख खाने के लिए बोलते थे। हाँ जी, क्या कहते थे? कि ये ले जाओ राख और खा लेना और घर में छींटा लगाना। आप लोग जब गवाही दें तो जो आपकी बात वो पूरी मुझे यहाँ पर आप बताएं, मुझे ना कहना पड़े। तो राख का क्या कहते थे? भैया आप ये ले जाओ, घर में छींटा लगा देना, ये खा लेना तो आपको राम मिलेगा, जो राख है उसको खा लेना। जी, पर कोई राम नहीं मिला, बहुत कुछ कहते और भी, पर फिर आप चर्च में आए, फिर चर्च में आए, फिर परमेश्वर मसीह ने आपको चंगा किया। परमेश्वर, किसने चंगा किया? परमेश्वर ने किया चंगा। कौन से परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये परमेश्वर वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या किया? चंगा किया, चंगा किया। आप आपको आपके पाप क्षमा हुए, आपने बपतिस्मा लिया। हाँ जी, बपतिस्मा लिया।
आपके पूरे घराने ने, आपके परिवार ने, आपकी बहन ने, आपके सब लोगों ने, आपके बच्चों ने, पूरा खानदान प्रभु में आया है ना। और फिर पवित्र आत्मा पाया, किसने? अन्य भाषा पाई किसने? हमने पाया, मेरे पूरे परिवार ने पवित्र आत्मा पाया। आपके छोटे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा भरते हैं, मुझे याद है, ज्यादा भरती है पवित्र आत्मा में। में जिया जी क्या है, वो तो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, उनके हाथों पांव में दर्द और गंठिया, जैसे डॉक्टर बोलता है इनके बाव हो गया कोई, और ये टाइफाइड हो गया, इस करके बहुत ज्यादा दर्द रहता था उनके, पर कोई राम नहीं मिला उनको भी, डॉक्टरों से भी नहीं मिला कोई और कहीं से भी नहीं मिला। और यहाँ पे आए, अब आपको किसी ने चंगा कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। रोशनी दौड़ के होरी बाला सा बना सो खो बोनो सी बीरी बिशी धाला सा खाबा होरी बाला ला बारा रा बारा दा बारा नमा थी बीरी सिखीरी बीरी री बिशी धारा सा बरो सो बोनो सा खाबा। थैंक यू जीसस। सुनाली और भारती पास में ही आ जाएं, पास में खड़े रहें। थैंक यू जीसस। मेरी अगुवाई एक धन्यवाद पिता परमेश्वर दा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान जदो प्रभु ते विच आई हां, प्रभु नु ग्रहण कीता, मैंने बहुत सारा वर्क दा नहीं, क्या हुआ था असि मैं पहला बहुत ज्यादा गरीबी विच ही, बच्चे भी बीमार रहंदे सीगे। एक मिनट, आप इंदिरा पास रहो, जो भी आए उसके मुंह के पास लगाओ, जा आप रुको, चलो नीचे रहो। आप जब गवाही देते हैं तो मैक में बोलना ना, तो मैक में बोलिए आप। इसलिए मैं बहुत ज्यादा, आप भी बीमार हैं जैसे दुष्ट आत्मा ने, मैं कट तो कट 20-25 साल तो घेर चुके, जो मैंने समझ पाई सी उससे तो ज्यादा बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा से शादी भी होगी। जब से आपने होश संभाला, हाँ जी, उस तब से, हाँ जी, तब से दुष्ट आत्मा थी, जब से दुष्ट आत्मा से। तो आपकी जब शादी हुई उससे पहले से दुष्ट आत्मा थी? पहले थी इसी, तो दुष्ट आत्मा कितने साल कह रहे आप? कट तो कट 20-25 साल, 25 साल दुष्ट आत्मा ने। हाँ जी। तो क्या होता था उससे? उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, पहले मेरे जो शादी सूस में जो बच्चे भी खराब हुए, 6-7 बच्चे चले गए मेरे, तो 6-7 बच्चे आपके खराब हो गए? हाँ जी, खराब हो गए, दुष्ट आत्मा ने उनको। हाँ, 4 बेटे, पैदा नहीं होने दिया, 2 बेटे चले गए जी। अच्छा, ऐसे कोई भी नहीं, मुझे ये बताओ पैदा होने के बाद? नहीं जी, पहले ही 7वें 8वें 6ठे महीने में जैसे बीच में जाते थे। ठीक, 7वें 8वें 6ठे महीने में। हाँ जी, ऐसे चले। आपके बच्चे नहीं बचते थे, संतान नहीं बचती थी? नहीं बचते थे। ये बड़ी बात है कि 7वें 8वें महीने में बच्चे जो थे वो मर जाते थे, चले गए का मतलब मर जाते थे, और संतान नहीं हो रही थी, और 20-25 साल से दुष्ट आत्मा थी, और वैसे ही दुष्ट आत्मा में शादी हो गई। और आप इधर उधर कई जगह पे गए होंगे इलाज के लिए? बोले तांत्रिक के पास जाते थे, वो तो बहुत कुछ बोलते थे, बहुत ही पैसा लगाया गरीबी में आगे कि हम 1-1 किलो आटा लेके खाते थे। अच्छा, इतनी गरीबी थी कि 1-1 किलो लेकर आटा लेकर आके खाते थे। इतनी गरीबी थी कि बिल्कुल मैं गिर चुकी थी, कोई इलाज है ही नहीं था इसका, बस खत्म से, कोई भी कहीं भी इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं था, 1-1 किलो आटा लेकर आते थे, इतनी बड़ी दर्द और इतनी बड़ी पीड़ा थी। बड़े से बड़े जो इन तांत्रों के हेड होते कि वो वाले आपके पीछे लगे, वो नहीं आपको ठीक होने, दुष्ट आत्मा बड़ी से बड़ी मेरे पीछे लगाई हुई थी, जो कहीं भी नहीं जहाँ जाते थे तांत्रों का सामना करके, और मेरे को अपने और की स्थिति जैसे खुदकुशी करो या कुछ घर में नुकसान करो, अपने आप में बस ऐसे चलता था। तो तांत्रिक क्या कहते थे? तांत्रिक बस ये इतना पैसे दे दो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, चौराहे में जाओ या भूमि में जाओ, जैसे भी जाके ये लेके आओ, कुछ जैसे नहीं बोल सकते वो कराते थे उनसे। पर मैंने एक ही सोचा, आपसे मुर्गा मांगते थे और वो बकरा भी चढ़ाते थे, कहते मुर्गा चढ़ाओ बकरा चढ़ाओ, ये तो पहला काम था उनका। मेरे घर में अगर खाने को कुछ हो ना तो लेकिन उनको देना पड़ता था, मेरे को देना पड़ता था घर के। मैंने पशुओं का चारा तक बेच के, तूड़ी तक बेच के तांत्रियों का मुंह भर दिया, पर मेरे को कहीं पशुओं के लिए जो तूड़ी रखी थी वो भी आपने बेच दी? बेच दी, पर ना मेरा बच्चा का और ना ही कोई घर में फायदा हुआ। फिर आप परमेश्वर मसीह के पास आए
और फिर प्रभु मसीह ने किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने मुझको वर्क दी के जो प्रभु मसीह ने आपको चंगा किया, उसके बाद आपके संतान भी हुई, संतान हुई, एक बेटी हुई। प्रभु के ग्रहण करने के बाद मेरे से बेटी मिली है, वो बेटी बिल्कुल एकदम सही, हम कहां भी नहीं गए। फिर भी डॉक्टर ने बोला ये बच्ची बड़े ऑपरेशन से उठाई जाएगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो संत हमको लेके यहां थे उनका भी धन्यवाद। अभी आपका, हां जी, अभी आपका अपना घर है? अपना घर है। अब देखो, जो मैं मेहनत मजदूरी करने वाली थी, इतना खोरे उठाती थी, खेत में जाती थी काम करने के लिए, पर प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद बोलते मैं सारा काम करना। आप मजदूरी करते थे, खुद खेत में काम करते थे, खुद में आप खेत में काम करते थे। आपको ये मैं बताऊं कि ये खुद जो थे वो खुद काम करते थे, खेत में जाकर मजदूरी करते थे, एक एक किलो जो था वो आटा लेकर आते थे खाने के लिए। लेकिन अब प्रभु ने इन्हें आशीष दी है, ब्लेस दी है, अपनी कार दी है, पांच प्लाट दिए हैं। और पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये बातें कई बार नहीं बतानी होती, लेकिन 5 प्लाट दिए हैं और अपनी कार दी है परमेश्वर ने। और लोग तो कहेंगे कि ये ईसाई बन गए, इन्होंने धर्म बदल लिया, लेकिन यहाँ कोई भी, हमारी चर्च में कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, और धर्म बदलने वाला कोई भी नहीं है। अभी प्रभु का धन्यवाद करते, जीवन बदलने वाला है। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने इनके जीवन में बड़ा चमत्कार किया। और कैसे, आप सोचिए जरा, कैसे एक एक किलो आटा लेकर आ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मेरे 5 प्लाट हैं, अपना घर है, अपनी कार है, और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, संतान भी परमेश्वर मसीह ने दे, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर मसीह ने निकाल दी, और पवित्र आत्मा भी पाया आपने, अन्य भाषा का वरदान मिला, अन्य भाषा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा आपने पाया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर से मेल हुआ, आपको पापों से क्षमा मिली, शांति मिली, ये सब बातें तो हैं, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं ये है प्रभु ने इनके जीवन में चमत्कार किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। भारती, थैंक यू लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मेरी आंख के ऊपर गांठ थी लेफ्ट साइड में, तो वो काफ़ी बड़ी होगी, तो मम्मी कहते दिखा ले इसको, तो हर प्रकार की दवाई ली और ट्रीटमेंट करवाया इसका अच्छे से, तो वो गांठ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और फिर हॉस्पिटल में चेक करवाया तो वो कहते गांठ तो ये ऑपरेशन से ही निकलेगी, मम्मी कहते भाई तू दवाई ले ले देख ले। तो आपके 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 गांठ थी कहाँ पर थी? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की, बहुत मोटी। कहाँ पर थी? इधर। अच्छा, इसके ऊपर थी? हाँ जी, ये पुतली के ऊपर ले बने, हाँ जी, ऊपरी साइड पे यहाँ गांठ थी। हाँ जी, तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहता, ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ, ऑपरेशन के लिए बोल रहा था। और फिर आप चर्च में आए, वो कहते अगर ठीक हो जाती है तो सही है दवाई से, वरना ऑपरेशन से ही निकलेगी, मतलब कोई इसका इलाज नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बताया, वो चर्च आते थे, तो फिर यहाँ पर प्रार्थना करवाई, विश्वास रखा, और मतलब मेरे को तो यूं लगता था मतलब इम्पॉसिबल, बिल्कुल ही, मतलब ये गांठ तो बिल्कुल भी नहीं सही होगी, बहुत परेशान मैं डिप्रेशन में रहती थी, मतलब ये कैसे ठीक होगी। और यहाँ मैं इस चर्च में मैं पहली बार आई, तो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और यहाँ की गांठ एकदम ठीक होगी, और मतलब एक गवाही बनी मेरे लिए। okay, परमेश्वर का, प्रभु मसीह का धन्यवाद। परमेश्वर मसीह ने उस गांठ को, जब ये चर्च में आए प्रार्थना हुई और प्रभु मसीह ने उस गांठ को बाहर निकाल दिया, गैप कर दिया, और प्रभु मसीह ने चंगा कर दिया। रीता, सबको जनसी, मैं 3 पुलिस से हूँ। मेरे घर पे ऐसे जादू टोना किए थे कि बहुत बुरा हाल कर दिए थे, और आप पर जादू टोना किया हुआ था? हाँ, पूरे वो घर पे कर दिए थे, पूरे घर पे कर दिए थे, बच्चे पे, नौकरी पे, सब कुछ एकदम से खराब कर दिए थे। तो ऐसे लगा, ऐसे किए थे कि बस ये रात, आज सुबह ना होए, बस रात को बस ये मर जाए। मेरे को लेके भागे थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा ववा दिया, फिर उसके बाद सयाने के पास ले गए, सयाना भी 5,000 रुपया ले लिया, कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर कम से कम 10-15 सयाने के पास गए हैं, और पूरा गंगानगर, बीकानेर, सारे जवाब दे दिए कि ले जाओ इसका सेवा करो, ये बचेगी नहीं।
नहीं आप आपको बीकानेर बड़े हॉस्पिटलों में लेके गए? हाँ, आपको लेके क्या? हाँ, लेके जाते थे फुल तो यहाँ अपने क्या क्या डॉक्टर कहते भी ये बच्चे की नहीं घर ले जो हाँ दवा क्या होता क्या था आपको? बस घबराहट जी, वो बस बेहोश होती थी, बैठ नहीं पाती थी, लेटा के रखते थे, पानी पिलाते थे, दवा खिलाते थे और बच्चे सारे रोते रहते थे। कम से कम 1.5-2 लाख रुपया रखे थे वो मकान बनाने के लिए। इनकी वो ड्यूटी लगी थी, IFB कंपनी में लगी थी, सब कुछ अच्छा था, इसीलिए वो कर दिए थे कि ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन प्रभु ने वो पूरी दवाई पूरा इलाज करवा लिया, पूरे सयाने के पास चले गए, कहीं से नहीं ठीक हुआ। बस बोल रहे थे कि 1 हफ्ता ये चलेगी, मर जाएगी। फिर ये हमारे इनके भी नौकरी छूट गई, IFB कंपनी में जो काम करते थे, महीने का 30,000 रुपया लेते थे, वो भी सर नौकरी भी चली गई। हम जब हम ही मरने लग करने लग गई थी तो वो कहते कि काम क्या करेंगे, काम करके। दुष्ट आत्मा से मुझे याद है आप लोग कहते थे मसानी मसूनी को छोड़ी हुई है आप पर, आपको तबीज किसी ने खिला दिया है। हाँ, क्या था वो मसानी तबीज जो मंडी? अपने नाम नहीं लेना किसी का। हाँ, वैसे बताओ आपको मसानी वो तबीज पढ़ ओढ़ के राख हो डाल के पानी में वो पिला दिए थे कि बस सुबह होएगा नहीं ये तुरंत रात ही रात मर जाएगी। लेकिन प्रभु अपने साथ था, जब दिन नहीं लिखा था मरने के लिए शैतान कितना सोचा, लेकिन जब परमेश्वर अपने साथ है तो फिर कितने डॉक्टर के पास भागते थे, कितने सयाने के पास, कम से कम 2 लाख रुपया। चल मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपको किसी ने तबीज खिला दिया था। हाँ, मसानी मसूनी छोड़ रखी थी। हाँ, क्योंकि मसानी कहते हैं जल्दी निकलती नहीं है। हाँ, दूसरे लोग कहते हैं। हाँ, और मतलब आप बेहोश ऐसे हो जाते हैं जैसे जैसे आप एक लाश की तरह हो। हाँ, और हाँ, डॉक्टर कहते थे भी नहीं बचेगी, आप जब बड़े हॉस्पिटल में लेके। हाँ, और फिर आप चर्च में आए? हाँ, नहीं फिर वो ये ना मेरे घर वाले हरदम रोते रहते थे, कहते ये तो मर जाएगी, बचेगी नहीं। तो क्या हुआ, घर के रोते रहते थे और परेशान थे, अब तो हंसते हैं। हाँ? अब चर्च में आए फिर क्या हुआ? फिर चर्च में ये दीदी ने बोले थे कि वहाँ चर्च है, अपनी घर वाली कैसे कर वहाँ पे लेके चल। एक संडे आए, दूसरे संडे फर्क मेरे को प्रभु ने छुआ, मेरे को पवित्र आत्मा मिला, मेरे को सब कुछ। दूसरे एतवार को आपको पवित्र आत्मा मिला। हाँ, और आप चंगे हो गए। हाँ, सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हाँ, बहुत। और आपने पवित्र आत्मा पाया, प्रभु को पाया, आपके परिवार के लोग अब मसानी में सुनी भाग गए, सब भाग निकल गई। ओके, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सो एक गवाही हम लोग आपको दिखाते हैं वीरा की। वीरा, इसके बारे में हमें बहुत से फोन आते हैं। और लोग पूछते हैं जय मसीह पास्टर जी, मैं जिंदा हूँ आज परमेश्वर की वजह से, यहाँ से जिंदा हूँ जो मैं गवाही देने मैं जा रही हूँ। क्या हुआ कि ये इस लड़की के में दुष्ट आत्मा थी और अभी Yeah.
तो क्या हुआ, थोड़ा सा मास्क नीचे करना थोड़ा सा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ कोई बात नहीं, नीचे कर लो एक बार मास्क हटा लो, हाँ बस ऐसे। तो ये बेचारी बच्चे इतना दुखी और इतना परेशान थी, आपने जैसे वीडियो में देखा है अभी। इस परिवार में 20 सालों से दुष्टात्मा थी, 20 सालों से दुष्टात्मा थी और इस परिवार को बर्बाद करके रखा हुआ था। और कितनी ही बार इसे पंखे से लटकाने के लिए इसे कोशिश की कि ये पंखे से लटक जाए और मर जाए, बर्बाद करने की कोशिश की। आप आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो कितने हैं, कितने बड़े हैं अभी? 1 12 साल का है, 1 लड़की है, 8। अच्छा 3 बच्चे हैं, बड़े वाला 12 साल का है। तो कुछ लोग कहते हैं कि 20 साल में दुष्टात्मा ऐसे कैसे है, क्योंकि इसका उम्र का वो नहीं है लोगों को पता। 12 साल का इसका लड़का है, पहले वाला लड़का जो 12 साल का है। किसने आपको चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। ऊंची से बोलिए, किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। कितने साल, 20 सालों के दुष्टात्मा आपके घर में थी, आपको आपको पूरा बर्बादी में रखा, आपको गरीबी में रखा, आप इतने दुखी और पीड़ित रहे। और आपने वो गवाही, तो हम लोग ज्यादा बात लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या कर दिया? अब चंगा कर दिया। आपने पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा पाया आपने। ओके, अन्य भाषा, अन्य भाषा का वरदान भी पाया। अब आप बिल्कुल ठीक हो। किसका धन्यवाद करते हो? प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हरी बाला सखा बनो सबोरी बिशिदरा सखा बना सलाबा रिसि बिरिरी बिशिदरी बिसि खलाबा रलाबा होलाबा लालाबा। सो एक दो गवाही हम लोग और बताना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वहां से दिखाना। हाँ, उससे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे इस महामारी में, इस कोरोना में क्या हुआ, हम लोगों ने एक कोरोना के बचाव के लिए प्रार्थना चर्च में की थी और वो YouTube पर हम लोगों ने डाली हुई थी। लोग उस प्रार्थना को सुनते थे और आशीषित होते थे। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने कुछ ऐसा किया कि YouTube ने वो हमारी वीडियो ही हटा दी। यानी कि कोरोना के मामले में अगर कोई कहे भी मैं प्रार्थना करता हूं और वो कोरोना ठीक हो गया उसका, इस बात को लेकर सरकार जो है और लोग जो है बहुत ऐसी वैसी बातें करने लग जाते हैं। इसलिए हम लोग आपको कोरोना की गवाही नहीं दिखा रहे YouTube पर, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है और हम लोग आपको नहीं बताना चाह रहे उस बारे में। लेकिन सरकार मना कर रही है, लोग इसके विरोध करते हैं भी कोरोना कैसे ठीक हो गया, ये है वो है। लेकिन हमारे पास WhatsApp में ऐसे मैसेज हैं, ऐसे लोगों की रिपोर्टें हैं, और जिनकी रिपोर्टें पहले पॉजिटिव आई थी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोरोना से चंगाई दी। वो लड़ीवार है हमारे पास, उन्होंने मैसेज भेजा, हमारी रिपोर्ट होने वाली है, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी, जिनकी उन्होंने भेजा, हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हमें कोरोना हुआ है। कोई तो ऐसी कंडीशनों में थे, मैं नहीं बता रहा, जवान लोग भी थे कई। तब जब प्रार्थना हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, उन लोगों ने जाकर उन्हें वो प्रार्थना सुनाई, फोन पर भेजा उनको मैसेज, उन्होंने प्रार्थना सुनी और लोग उन्होंने चंगाई पाई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई और उन्होंने भेजा हमें कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम लोग उसके क्योंकि सरकार और लोग नहीं चाहते कि ऐसी बातें की जाएं कि कोरोना प्रभु यीशु ने चंगा किया, इस बात को लोग पसंद नहीं करते, अन्य जाति लोग या दूसरे लोग जो हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, तो ये भी महामारी को भी चंगाई करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो परमेश्वर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। बस एक दो गवाहियां हम लोग और आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक कनेडा की है और दूसरी कहां की है? सारयान जैमसी, मेरा नाम परविंदर सिंह, मैं जगराऊं दे रहन वाला हां, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देन जा रहा हां।
मैं 4 साल तो नशे कर रहा सी, कई प्रकार दे चिट्टा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और भंग वालियां सिगटा। मैं बहुत सारिया जगावां ते गया, जिमें नशा छुड़ाऊ केंद्र, डॉक्टर, हॉस्पिटल अते बहुत सारे सियाणियां कोल अपना नशा छुड़ाउण लई गया अते बहुत सारा पैसा भी उन्हां नूं दित्ता, पर मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। मैं दिन विच 3,000 तो लैके 10,000 तक दा नशा कर लैंदा सी। चिट्टे दे नशे दी मैनूं बहुत तलब लगदी सी, जिस कारण मैं एक पल भी नशे तो बिना रह नहीं सकदा सी। मैं तकरीबन 1 करोड़ तक दा नशा कर चुकिया सी। मैं 3 किले जमीन, 1 बुलट मोटरसाइकिल, स्कूटरी, जनरेटर, सोना अते घर दा होर समान भी चिट्टे दे नशे लई बेच दिता सी। मैं लोकां तों भी नशे दे लई उधार पैसे लै लैंदा सी। मैं अपनी जिंदगी तों निराश हो चुकिया सी। मैनूं लगदा सी कि मैं हुण मर जावांगा, क्यों नशे दी आदत बहुत वध चुकी सी। मैं कोई काम नहीं करदा सी, नशा करके बस प्यार रहिंदा सी। फिर सानू यूट्यूब ते तो चमत्कार चर्च बारे पता लग्या। मेरी वाइफ ने प्रचार सुनना शुरू किया। फिर मेरी वाइफ ने अमरदीप सर तो प्रार्थना करवाई मेरे लई, अते आप भी प्रार्थना करनी स्टार्ट कीती घर विच। अते बाइबल विच लिखिया होया है कि अभिषेक दे कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिता जाएगा। मैं इस बचन लई परमेश्वर दा धन्यवाद करदा, इस जिंदा बचन लई जिन्हें मेरी जिंदगी च काम किया। इस बचन ने मेरी जिंदगी विच काम किया अते मैं नशे तो आजाद हो गया। अज मैनू 1.5 महीना हो चुकिया है, मैं कोई नशा नहीं किया अते ना ही मैनू कोई तलब लगती है। मैं इस छुटकारे लई प्रभु यसू मसीह दा दिल तो धन्यवाद करता हाँ अते उन्हां दे दास बिशप अमरदीप सर दा भी बहुत धन्यवाद करता हाँ। सारयां नूं जय मसीह। प्रेज द गॉड। बिशप जी, असीं सारे तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ कि तुसीं पापा जी की सेहत बारे पुछिया। बिशप जी किडनियां की प्रॉब्लम करके पापा जी की भुख बिल्कुल ही घट गई सी, ते जेकर वो कुछ खाण की कोशिश भी करते सन तो उन्होंने खाना स्वाद नहीं लगता सी, ते वो बहुत उदास रहिंदे सन, टेंशन बहुत लेंदे सन। पर जदों दी तुसी प्रेयर कीती है उदों दी उन्हां दी सेहत विच काफ़ी सुधार आया है। हुण उन्हां ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिता है ते खाना उन्हां नूं स्वाद भी लगता है, ते हुण उन्हां दा मन खुश भी रहिंदा है ते टेंशन भी नहीं लेंदे। 9 जुलाई वाली किडनियां दी रिपोर्ट विच पापा जी दीआं किडनियां 8% ही काम करदियां सन। असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हाँ कि तुसीं साडी प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी प्रेयर टावर की टीम नू भेजी, ते तुसी सारे पापा जी लई प्रेयर्स कर रहे हो। साडे कोल शब्द भी नहीं कि किस तरह तुहाडा धन्नवाद करिए। बिशप जी, असी विश्वास करते हाँ कि प्रभु यीशु ने तुहाडी ते तुहाडी टीम दी प्रेयर्स सुन लईआं हन, ते प्रभु जी ने पापा दीआं किडनियां चंगीआं कर दित्तीआं हन, क्योंकि असी देखिया है कि किस तरह प्रभु यीशु तुहाडी प्रेयर्स नू सुनदे हन ते चमत्कार चर्च विच वड्डे वड्डे चमत्कार करदे हन। बिशप जी, पापा जी की अगली अपॉइंटमेंट 9 सितंबर नू है, अते असी तुहानू बेनती करते हाँ कि इस तरह ही पापा जी नू अपनिया प्रेयर विच रखना, क्योंकि सानू विश्वास है कि प्रभु यीशु तुहाडियां प्रेयर्स द्वारा पापा जी की जिंदगी विच भी जरूर चमत्कार करनगे, ते उन्हां दी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएगी। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच आमीन। अते असी बहुत वड्डी गवाही नाल आ रहे हाँ। थैंक यू सो मच बिशप जी। प्रेज द गॉड। Thank you. Bye.
आसपास नशा कर लिया होगा, और उन्होंने YouTube पे जब सुना और परमेश्वर मसीह ने उन्हें जो है उस नशे से भी उन्हें छुड़ाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हे यीशु। स्वयं प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए आपका शुक्र तारीफ महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम आपके पवित्र वचन को देखना चाहते हैं प्रभु जी। इन वचनों पर आप आशीष दें मेरे परमेश्वर पिता पर यीशु मसीह जी। आपकी आशीष इन लोगों के जीवन में बनी रहे, इन लोगों को आप संभालें, इन लोगों की रक्षा करें और इन लोगों के साथ रहें, यह मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से जो देखना चाह रहे हैं कि कैसे अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाता है, अभिषेक कैसे जीवन में काम करता है, अभिषेक से कैसे लाभ होते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। परमेश्वर आज के वचनों पर आशीष दें। लेकिन अभिषेक, अभिषेक क्या होता है? परमेश्वर विशेष कार्य के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी का अभिषेक करते हैं, किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का अभिषेक करते हैं। जहां ऐसा मैं कहूं परमेश्वर की ओर से चुना जाना, उसको चुन लेते हैं परमेश्वर और किसी काम के लिए परमेश्वर उसके उसे अलग कर देते हैं, जहां उसे एक विशेष अधिकार दिया जाता है, उसे उस काम के लिए मसा किया जाता है, तो उसे कहते हैं अभिषेक करना। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर जब चुन लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर किसी काम के लिए अलग कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष बात के लिए अधिकार दे देते हैं, उसका मसा करते हैं, यानी कि उसका अभिषेक कर देते हैं। और अभिषेक के बाद लोग बल धारण करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बहुतायत के साथ आता है, लोग बुद्धि प्राप्त करते हैं, समृद्धि प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। हालेलुया। देखो जो शैतान है अबलीस, पहले वो कौन था? लूसीफर था उसका नाम, क्योंकि वो स्वर्ग में स्वर्गदूत था और उसका भी अभिषेक किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था। वहां पर यहेजकेल 28 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यहेजकेल 28 अध्याय 13 से लेकर 18 वचन तक, तो 14 वचन में यह बात लिखी हुई है, 14 वचन में लिखा हुआ है
वो अभिषिक्त था, यानी कि उसका अभिषेक किया गया था उस काम के लिए, इसलिए वो सामर्थी था, इसलिए उसके अंदर जो थी वो सामर्थ्य भरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, अब देख लो वो ऊपर से गिरा दिया गया, शैतान भी हो गया, फिर भी उसके अंदर क्या है, सामर्थ है, उसको अलग किया गया था किसी काम के लिए। तो ऐसे परमेश्वर अपने लोगों में से, अपने लोगों में से किसी ना किसी को उठाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसे किसी काम के लिए अलग करते हैं, उसे अधिकार देते हैं, उसे मसा कर देते हैं। और जैसे ही वो मसा होता है, अभिषेकत होता है, तब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है, वो बुद्धि समृद्धि और सफलता को पाना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए आज हरेक व्यक्ति को जरूरत है अभिषेक की, परमेश्वर की ओर से उसका अभिषेक हो, परमेश्वर की ओर से वो मसा पाए, इसके लिए आज जरूरत है। हालेलुया। हरेक को। और आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस विषय में आज मैं बात करना चाह रहा हूं, उस अभिषेक की, एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति, एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति कैसे एक राष्ट्रपति का दामाद बन सकता है? मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो भेड़ बकरियां चराता है, ठीक है, वो भेड़ बकरियां चराता है, और वो राष्ट्रपति का दामाद बन जाए, कभी सोच सकता है? नहीं सोच सकता, वो कभी नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता कि वो राष्ट्रपति का दामाद बने। लेकिन अभिषेक के कारण यह हो सकता है, अभिषेक के कारण यह हो सकता है कि एक भेड़ बकरियां चराने वाला भी राजा का दामाद बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सो एक चरवाहा, एक भेड़ चराने वाला, एक बकरी चराने वाला कैसे आज सोच सकता कोई? आज मान लो कोई है ऐसा जो भेड़े चराता है, जो बकरियां चराता है, जो भेड़ चराता है, जो बकरियां चराता है, वो ऐसा हो सकता कभी कि वो ये सोचे कि मैं प्रधानमंत्री का दामाद बन जाऊंगा, जब वो मैं सोचो मैं राजा का दामाद बन जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या राष्ट्रपति की, किसी देश का राष्ट्रपति है किसी देश का, और उस देश के जो राष्ट्रपति उसकी लड़की एक भेड़ चराने वाले का साथ शादी कर लेगी? नहीं करेगी, क्योंकि भेड़ चराने वाला जो होता है, कपड़ों में उसके बदबू आती है, भेड़ों चराने वाले कपड़ों में, और कैसा उसका हाल होता है, गरीब होता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही पशु, कई आम ही अपने बात करते हैं, चलो ठीक है पशु चरा चल कर तू, और तो कुछ नहीं कर सकता, भेड़ें चरानी शुरू कर दे। परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति भेड़ चराने वाला किसी भी देश के राष्ट्रपति का दामाद नहीं बन सकता, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का दामाद नहीं बन सकता, किसी भी देश के राजा का दामाद नहीं बन सकता। ना तो राजा उसके लिए हां करेगा, क्योंकि राजे जो हैं वो राजाओं में ही शादियां करते थे, ना तो राजा हां करेगा, ना राजे की बेटी हां करेगी, ना कोई प्रधानमंत्री हां करेगा, ना कोई प्रधानमंत्री की बेटी हां करेगी, ना किसी देश का राष्ट्रपति हां करेगा, ना किसी देश की राष्ट्रपति की जो लड़की वो हां करेगी कि एक भेड़ चराने वाले से मैं शादी करूं। लेकिन अभिषेक के कारण ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अभिषेक के कारण ये सब कुछ हो सकता है। अरे बाला साखा बनो सुबोरी सीखा लबारा रबा।
एक चरवाहा, एक भेड़ चराने वाला राजा का दामाद बन सकता है अभिषेक के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक के कारण एक चरवाहा जिसके कपड़ों में बदबू आ रही है वो राजा का दामाद बन सकता है। अभिषेक के कारण जिस चरवाहे को कोई भी अनुभव नहीं है वो भी राजा का दामाद बन सकता है। हालेलुया। यहां पर हम लोग जो परमेश्वर के वचन में से देखना चाह रहे हैं, पहला सैमुअल 16 अध्याय, दाऊद के बारे में जब हम लोग देखते हैं, दाऊद परिवार में सबसे छोटा था, उसके भाई शाऊल राजा की सेना में थे और क्या हो रहा था, ये सिर्फ इसका काम था भेड़ चराना, बकरियां चराना, भेड़े चराना, बकरियां चराना, बस यही काम था। कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं राजा का दामाद बन जाऊंगा। वो खुद कहता है, अगर हम पहला सैमुअल 18 अध्याय उसका 18 और 23 वचन पढ़ेंगे, पहला सैमुअल 18 अध्याय, उसका 18 वचन, दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इज़राइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। कभी ऐसा हो नहीं सकता, वो सोचता भी नहीं था, सोच भी नहीं सकता कोई भी। और 23 वचन, तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? मैं तो निर्धन हूं और मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, मैं तो निर्धन हूं और तुच्छ मनुष्य हूं, मैं निर्धन हूं और क्या हूं, तुच्छ मनुष्य हूं, मैं निर्धन हूं। और वो कहता, मैं तो निर्धन हूं, तुच्छ मनुष्य हूं, एक निर्धन, एक गरीब, एक भेड़ बकरियां चराने वाला कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है राजा का दामाद? नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद राजा का दामाद बना। कैसे बना? परमेश्वर की ओर से जब उसका अभिषेक किया गया उसके बाद यह संभव हुआ। हालेलुया, तब यह संभव हो पाया, तब यह संभव हो पाया। दाऊद के कपड़ों में बदबू आने वाली थी, आती थी कि वो भेड़ बकरियां चराता था। दाऊद को कोई भी अनुभव नहीं था राजे के बारे में, राज्य के बारे में क्या है। दाऊद को कोई भी अनुभव नहीं था राजमहल का, राजमहल में कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। दाऊद को कोई अनुभव नहीं था कि राजा के साथ खाना कैसे खाते हैं। अब बड़े लोगों के साथ खाना खाना पड़े तो क्या हाल होता है आम लोगों का, वो नर्वस हो जाते हैं। तो राजे के साथ कैसे खाना खाना, उसे कोई अनुभव नहीं था। राजा के कैसे कपड़े पहनने हैं, राजा जैसे कपड़े पहनने, तो उसे कोई अनुभव नहीं था। क्योंकि जब शाऊल राजा ने अपने कपड़े दिए उसे पहनने के लिए और अपनी तलवार दी, तो ना तो वो तलवार लेकर और उसके कपड़े पहनकर उसे चला नहीं जाता था। उसे कोई कोई एक चरवाहे को युद्ध नीति का क्या पता, भी युद्ध नीति क्या होती है, युद्ध नीति का कुछ नहीं पता था कि चरवाहे को युद्ध नीति क्या होती है। दूसरे राज्यों के साथ समझौता करना होता है, संधि करनी होती है, वो क्या होती है। क्योंकि राजे के बेटे तो बचपन से ही पाठशाला, राज्य पाठशाला होती है, वहां पर वो सीखते थे, युद्ध करना सीखते थे, युद्ध नीति सीखते थे, बहुत कुछ सीखते थे और हथियार चलाना सीखते थे। इसको ना तो कोई हथियार चलाना आता है, ना इसको राजाओं के साथ बात करनी आती है, कैसे ये होगा। और राजे की बेटी क्यों कहे कि हां मैं एक चरवाहे से शादी करूंगी। पहला सैमुअल 18 अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ है, जो राजा की बेटी थी वो उससे प्रीति करने लगी, मिकल। और 18 अध्याय 27 वचन में लिखा हुआ है, शाऊल ने अपनी बेटी मिकल का उससे विवाह कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।
एक चरवाहा, मैं आपको थोड़ा सा पहला सैमुअल 16 अध्याय 13 वचन। अभिषेक के कारण भेड़ बकरियां चराने वाले के ऊपर, पहला सैमुअल 16 अध्याय 13 वचन लिखा है, उस दिन से आत्मा बल से उतरा। हालेलुया। किस दिन से कौन से उस दिन से, जिस दिन उसका अभिषेक हुआ। हालेलुया। जिस दिन उसका अभिषेक हुआ। अभिषेक क्या होता है? किसी कार्य के लिए अलग किया जाना, किसी विशेष काम के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने जाना, परमेश्वर की ओर से मसा किए जाना, अधिकार दिया जाना, अभिषेकत किया जाना। जैसे ही उसका दाऊद का अभिषेक किया गया, एक भेड़ बकरियां चराने वाले का अभिषेक किया गया, 16 अध्याय 13 वचन में लिखा है, उस दिन से आत्मा बल से उतरना रहा। हालेलुया। उस दिन से बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन से उस दिन से आत्मा बल से उतरता रहा। और पहला सैमुअल 18 अध्याय 5 वचन, योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया। दाऊद योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया। पहला सैमुअल 18 अध्याय 30 वचन, उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया। दूसरा सैमुअल 2 अध्याय 4 वचन, यहूदा का राजा बना। दूसरा सैमुअल 5 अध्याय 3 वचन, इज़राइल और यहूदा का दोनों का राजा बना। दूसरा सैमुअल 5 अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है, 7.5 साल तो उसने यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यहूदा और इज़राइल में राज्य किया, 40.5 साल तक और 40 साल तक। हालेलुया। ये कैसे हो पाया? अभिषेक के कारण। हालेलुया। ये कैसे हो पाया? अभिषेक के कारण ये सब हो पाया। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक के कारण भेड़ बकरियां चराने वाले के ऊपर उस दिन से आत्मा बल से उतरने लगा। अभिषेक के कारण भेड़ बकरियां चराने वाले के ऊपर आत्मा बल से उतरने लगा। और जैसे 18:5 में लिखा है, अभिषेक के कारण वो भेड़ बकरियां चराने वाला योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया गया। हालेलुया। अभिषेक के कारण 18:30 में लिखा है, उसका दाऊद का नाम, उस चरवाहे का नाम बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया। और अभिषेक के कारण वो यहूदा का राजा बना। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो यहूदा और इज़राइल दोनों का राजा बना। हालेलुया। 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 ये सब कैसे हो पाया? अभिषेक के कारण। अभिषेक के कारण। हालेलुया। 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 इसलिए हमें जरूरत है किसकी? परमेश्वर की ओर से अभिषेक की। परमेश्वर की ओर से अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। आज आपने परमेश्वर का अभिषेक मांगना है। हालेलुया। आज आपने परमेश्वर का अभिषेक मांगना है कि परमेश्वर पिता मेरा अभिषेक कर दे। दाऊद कहता है, मैं तो निर्धन हूं, मेरा पिता का कुल निर्धन है, मैं ऐसे नहीं मैं कहां राजा का दामाद बन सकता हूं। लेकिन अभिषेक के कारण हुआ। कहां राजा बन सकता हूं? मैं नहीं बन सकता, अभिषेक के कारण हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जब शाऊल का अभिषेक किया गया था और शाऊल जाकर छिप गया था, जब इज़राइल का पहला राजा बना शाऊल, जब छिप गया तो उसे कहने लगे, तू इज़राइल का राजा होगा। वो कहने, नहीं मैं कैसे हो सकता हूं, मैं मेरा तो सबसे कुल छोटा कुल है मनुष्य से, मैं तो ऐसा हूं, मैं मेरा तो ऐसा है। बहुत से लोग ऐसा कहते होंगे, मेरी तो जाति छोटी है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला हूं। कहां भेड़ बकरियां चराने वाला और कहां राष्ट्रपति का किसी का दामाद, कैसे हो पाएगा? कहां भेड़ बकरियां चराने वाला और भेड़ बकरियां चराने वाला योद्धाओं का प्रधान, योद्धाओं का, आप समझे बात, सेना का प्रधान। जो सेना का प्रधान होता है,
एक टुकड़ी सेना की उसका प्रधान, उसकी टुकड़ी सेना की उसका प्रधान, एक टुकड़ी और सेना की उसका प्रधान, और यो प्रधान थे, उन प्रधानों का कौन प्रधान था? दाऊद था। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? एक टुकड़ी का प्रधान नहीं था भी, एक कंपनी का, एक टुकड़ी का प्रधान दाऊद ऐसा नहीं था। लिखा है योद्धाओं का प्रधान, इधर लाखों हैं सेना है और उनका एक प्रधान है, यहां लाखों सेना है उसका एक प्रधान है, यहां लाखों सेना है उसका एक प्रधान है, यहां लाखों सेना उसका प्रधान है, और उन सारे प्रधानों का प्रधान कौन? दाऊद। हालेलुया। कौन? एक भेड़ बकरियां चराने वाला। हालेलुया। और वह भेड़ बकरियां चराने वाला कैसे बन पाया? अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण। हालेलुया, हालेलुया। कैसे अभिषेक के कारण उसने पवित्र आत्मा पाया, कैसे उसने बुद्धि पाई, समृद्धि पाई, सफलता पाई और कहां तक पहुंचा? हालेलुया, हालेलुया। ओरी बरा सबाना सोखो बोरो सीखी बीशी ताला सका भनना मा। आज परमेश्वर के लोगों हमें जरूरत है अभिषेक की, हमें आज अभिषेक पाने की जरूरत है। रो बोला साबाना साबारे सिबिरी सिखाला सोखो बोने मा। आज हमें अभिषेक पाने की जरूरत है, आज आपको भी जरूरत है कि आप अभिषेक पाएं। जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा तब आप सामर्थ पाएंगे, तब आप पर पवित्र आत्मा बल से उतरेगा, तब आप बड़ा, आपका नाम बड़ा हो जाएगा, तब परमेश्वर आपको सफलता देंगे, आपको बुद्धि देंगे, समृद्धि देंगे और आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊंचाइयों पर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन संपत्ति पर आशीष हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पर आशीष हो, अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक में बने रहें, अगर आप चाहते हैं दाऊद की तरह एक राजे की बेटी के साथ शादी हो, और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और राजा बन जाएं, आपको जरूरत है अभिषेक की। हालेलुया। आपको जरूरत है अभिषेक की, और अभी तैयार हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं अभिषेक पाने के लिए। अरे बोने सीखी रे बाला सखा ला बोरे सीखा ला बारा। उससे पहले एक आयत, यशाया की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 27 वचन। यशाया 10 अध्याय और उसका 27 वचन। अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा। रिबाला साखा बना सोबो रोसा बारा साखा बना सोबो। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। रिबाना सोखा रबा रबा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा आपकी हर एक बीमारी। जुआ क्या होता था? हम लोग जब छोटे थे तो उस समय एक बैलगाड़ी होती थी, हमारी भी थी एक, और बैलगाड़ी होती थी और उसके आगे बैल को जोते थे और उसके ऊपर कंधे के ऊपर यहां पर एक ऐसे करके वो झूला रखा होता था और उसके कारण वो सारा वजन उठाता। खेत से हम लोग पशुओं का चारा लेकर आते, खेत से नरमा कपास कॉटन जो होती थी वो उसके ऊपर लाद कर लेकर आते, बहुत कुछ जो भी लाते। तो वो बैल जो थे उनके ऊपर जो था वो झूला रखा होता था, उनके ऊपर बोझ होता था और वो यहाँ पर उसके इतने इतने कुल्ले जो होते थे वो बने होते थे यहाँ पर, और उनको वो ऐसे चलता था बड़ा, वो सारा वजन बोझ उसके ऊपर होता था। ऐसे ही आपके जीवन में, ऐसे ही हो सकता है आपके जीवन में बोझ हो, वो बोझ आपके कंधों पर बीमारियों का बोझ है, वो बोझ दुष्टात्मा का बोझ है, वो बोझ जदुतबीज का बोझ है, वो बोझ कर्जे का बोझ है, वो बोझ गरीबी का बोझ है। और बिरे सखा बल्ला सखो भरोसो, कोई भी बोझ है आपके कंधे पर बोझ है। परमेश्वर का वचन यशाया 10 अध्याय 27 वचन कहता है अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा। रे बनो सखा लसबो, जैसे जुआ तोड़ दिया जाएगा आपका बोझ हल्का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे। हालेलुया। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन में कहते हैं हे सब बोझ तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा बोझ हल्का है।
जब आप प्रभु को नहीं मानते थे तो पहला तो हमारे ऊपर वैसे बोझ होता था, बीमारियों का बोझ, दुष्ट आत्मा का बोझ, जद उत्बीज का बोझ, निराशा का बोझ, असफलता का बोझ, हर तरह के विफलताओं के बोझ से लदे हुए थे। और फिर हम इधर उधर जाते थे धार्मिक जगह पर और वो थोड़ा सा और बोझ ला देते थे, हम तांत्रिक के पास जाते थे वो और बोझ ऊपर ला देते थे, और दबते जाते थे और दबते जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं, जब आपको अभिषेक करेंगे उस जुए को तोड़ देंगे। अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपको कितना महान कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर आपके नाम को कितना बड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। दाऊद के एक भेड़ बकरियां चराने वाले व्यक्ति को कैसे उसका नाम बड़ा किया, कैसे वो सामर्थ पाया, कैसे वो राजा बना, उसको तो कुछ भी नहीं आता था। राजा के कपड़े पहनकर चलना नहीं आता था उससे, राजे की तलवार लेकर उससे चलना नहीं आता था। योद्धाओं का प्रधान कैसे बन गया? अभिषेक के कारण। हालेलुया। बस एक अभिषेक किसने किया? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दास ने, शमूएल ने उसका अभिषेक किया था। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर की ओर से आपका अभिषेक करता हूं कि आप आशीषित हो, आप ब्लेस्ड हो जाएं, आप आगे बढ़ें। रोबोनो सखा बरस से बीरे रे सिखे बीरे रे भी। आज परमेश्वर की ओर से मैं आपका अभिषेक करता हूं कि आप पर आत्मा बल से उतरे, आप प्रधान युक्त किए जाएं, आपका नाम बड़ा हो जाए, आप राजा बन जाएं, आप सफलता को पाएं, और वो अभिषेक के कारण झूला तोड़ दिया जाए आपके हर एक बीमारी का, आपके हर एक दुख का, आपके हर एक पीड़ा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आप खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। रोबो न सबर सिबिरे सिखे बिनी सला बर रोबो सिखा लसा होरी बेरी रे बिशे दे रे बिशे खे रे दे बेरी रे बिशे दा बाला बाला लबा होरी बेरी निमित गेरी निमित रे बित गेरी रे बिशे दे बेरी रे बी होरा बाला बाला बार बारी दा बाला बाला लबा दा बार नमा ते बेरी रे बिशे दे रे सिखे रे बित बेरी निमी। प्यारे परमेश्वर पिता रे बोनो सब बरो सखा लबा रा रा सिखा लबा नमा। आप अगर खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर, आप खड़े हो सकते हैं। अगर ऐसी जगह पर आप देख रहे हैं या नहीं खड़े हो सकते तो कोई बात, यहां बैठे रह सकते हैं। रो बोनो सी भेरे बेशे दा रस खबर नमा। एक अभिषेक के कारण कैसे भेड़ बकरियां चराने वाला इतनी ऊंचाई पर पहुंचा, और वो ही अभिषेक आस आप पर आने वाला है, वो ही अभिषेक आस आपका होने वाला है। हालेलुया, वो ही अभिषेक आस आपका होने वाला है। रो बरस खबरो सिभिरी शिखर रसो खबर ओ लबर लबा लबा लबा। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद, मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद, मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद, मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद। ए बरोसो बोनी सिखा लबर नमा। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं इन लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर पिता जी, और आप अपना हाथ बढ़ाई मेरे प्रभु जी, इनका अभिषेक कर दीजिए। आज इनका अभिषेक करें, आज इनका अभिषेक करें, आज इनका अभिषेक करें, आज इनके सिर पर हाथ रखें और आप अपने लहू से इनका अभिषेक करें, आप स्वर्गीय ऑयल से इनका, स्वर्गीय तेल से इनका अभिषेक करें, आप इनका अभिषेक कर दीजिए, आप इनका अभिषेक कर दीजिए, आप इनका अभिषेक कर दीजिए, आप इनका अभिषेक कर दीजिए। रे बरो सुखो बोनो सबल्ला सखा बरो सबोरे सखा बा हरि बना सा ओ रबला लबा बरा दबर नमति बिरी रे बिशिद नमा। इनका जो झूला है उसे तोड़ दीजिए प्रभु यीशु जी, इनके ऊपर जो बोझ है बीमारियों का, प्रभु यीशु के नाम से बीमारियों का बोझ तोड़ देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा का बोझ तोड़ देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से जादू द्वीज का बोझ तोड़ देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से असफलता का बोझ तोड़ देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से निराशा का बोझ तोड़ देते हैं। रिबर सबन सुखो बोनो सुखा रिबे ओ लबा ला लबा रे दबा रे दबा रे दबा। मेरे परमेश्वर पिता इनके जीवन में आज चमत्कार कीजिए, इनके जीवन में आज चमत्कार कीजिए। हर एक बीमारी, हर एक शैतान की ताकत दूर हो जा, सारे शैतान के बंधन टूटे पर विश्व के नाम से, आ पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। बल धारण करें ये लोग, सामर्थ को ग्रहण करें। रे बुरो सख बोनो से बला बर लबा, इनका नाम महान हो जाए और ये राजा बन जाए। रे बोनो से बेरे से खरा सख बुरो सबा
धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर मसीह जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता, आज आपकी ओर से इनका अभिषेक किया जाए, आपकी ओर से इनका अभिषेक किया जाए, इनका झूला तोड़ दिया जाए, जो शैतान का झूला, बीमारियों का झूला और रिसख बनो, वो सारा झूला तोड़ दिया जाए। और प्रभु यीशु के नाम से जो सफलता को पाए, प्रभु यीशु के नाम से जो आशीष को पाए, प्रभु यीशु के नाम से जो धन संपत्ति को आशीष को पाए, रो पर रसख बल सब रो सब निसकी बिरि सखा लबा ओ लखर बन सुख भरोसा। इनके जीवन में बड़ा चमत्कार कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आज धन्यवाद परमेश्वर पिता। So, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पवित्रात्मा की सामर्थ को पाएं। जितने लोग हमें देख रहे हैं वो भी अभी पवित्रात्मा की सामर्थ को पाएंगे, जैसे मैं प्रार्थना करता हूं। रो बुनो सुबु रसखा बना सखा, आप तैयार हो जाएं परमेश्वर की ओर से अभिषेक को पाने के लिए। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए आप तैयार हो जाए। मैं एक बार कहूंगा पवित्र आत्मा जी इनका अभिषेक करो, और पवित्र आत्मा आपको छुएगा। जैसे मैं कहूंगा पवित्र आत्मा जी इनका अभिषेक करो, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। रो बुना सखा बनो सुखो बो, और जिनका अभिषेक किया जाएगा एकदम वो सामर्थ पाएंगे। जिनका अभिषेक स्वर्ग से किया जाएगा वो सामर्थ पाएंगे। मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप पर एक एक पर हाथ नहीं रखूंगा, स्वर्ग से आपका अभिषेक होगा। पवित्र आत्मा जी इनका अभिषेक कर दें, इनका अभिषेक कर दें, इनका अभिषेक कर दें, इनका अभिषेक कर दें, इनका अभिषेक कर दें। रस खो बनो सो रब रस खो ब रिसिखी बिनी सिबलो सखो रब न सब रिसिखी बिनी रस खो ब रस खले बिनी निसिखी बी और रब रस ब रिसिखले रब न नम तोर बत कर डब और रब रब सिखो रब न सबल बल लब रिसि बिनी रिबिशि बिनी बल बल लब रब रब बन दब रब और सख स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय साम्र, स्वर्गीय साम्र, स्वर्गीय साम्र, स्वर्गीय साम्र रिब रस खलब रस खबन सिबिरी बिशिदरी। आपका अभिषेक, आपका अभिषेक, आपकी साम, आपका अभिषेक और आपके सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य। री बनो सब रो सख बन सबल सख ओ री बिरी बिशिद रिसी बिरी बिशिद रब रब न सब रो सिखी बिशिद ला ओ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूं। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको अभी छू जाए, पवित्र आत्मा आपको अभी छू जाए, पवित्र आत्मा आपको अभी आपको छू ले। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जी स्वर्ग से इनका अभिषेक कीजिए। हे मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्ग से अपनी पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए और इनका अभिषेक कर दीजिए। इन्हें सामर्थ्य से भरे, इन्हें सामर्थ्य से भरे, इन्हें सामर्थ्य से भरे। रब रो सब न सकल सब ऋषि पर सख और रब रो सब रो सकल सुख बरनमा पांव से लेकर सिर तक हर एक बीमारी पर यीशु के नाम से निकल, पर यीशु के नाम से निकल, पर यीशु के नाम से निकल जा। तुझे आज्ञा देता हूं सारे बंधन शैतान के तोड़ते हैं आज और इनके जीवन में चमत्कारों को चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप अपना हाथ बढ़ाएं और इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करें। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र और तारीफ, महिमा और स्तुति करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यह प्रार्थना हम परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, शुक्र हो, तारीफ हो, हालेलुया, परमेश्वर का शुक्र हो। सो प्रभु के लोगों, अभी समय है कि हम लोग परमेश्वर के लिए अपनी भेंट अर्पण करें। सो देखो बस 2 मिनट ही मैं आपको सिर्फ दूंगा और फिर हम लोग प्रार्थना कर देंगे। जब मैं 2 बार इसराइल में गया हूं, जब 5000 से आदमी आदमी थे और बच्चे और औरतों की गिनती ज्यादा थी, मैं सोचते लगभग 14000, तो उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो जब ये बात चर्चा चली तब एक बच्चा था और उस बच्चे ने क्या किया,
अपनी रोटी, पांच रोटियां, सिर्फ उसके पास पांच रोटियां थी, उसने अपनी पांच रोटियां की अर्पण कर दी प्रभु के चरणों में। हालेलुया। बड़े बड़े जो लोग थे वो सोचते रह गए, औरों के पास भी होंगी रोटी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ना कहा, नहीं ये तो मैं हमारे मेरे लिए है, ये मेरे बेटे के लिए है, ये मेरी पत्नी के लिए है, ये मेरे पति के लिए है, ऐसी बातें सोचते रह गए, ये मेरे भाई के लिए है। और उन्होंने उन रोटियों को दबा कर रखा, इसलिए उनकी रोटी पर चमत्कार नहीं हुआ। हालेलुया, आप समझो इस बात को, उनकी रोटी पर चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार कहां पर हुआ? जब उस बच्चे ने उन पांच रोटियों को जो उसने खुद खानी थी, उन रोटियों को अपने खाने की परवाह ना करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दी। हालेलुया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दी वो रोटी, क्या हो गया? वो रोटियां आशीष का कारण हो गया, वहां पर चमत्कार हो गया। और उस रोटियों को जब चमत्कार हुआ, उस बच्चे ने तो खाई बहुतायत से होंगी, लेकिन हजारों लोगों ने आशीष को पाया। हालेलुया। हजारों लोगों, वो बढ़ती गई और हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण हो गया। ऐसे ही जो आप अपना धन प्रभु को अर्पण करते हैं, जो आप अपना पैसा प्रभु के लिए अर्पण करते हैं, भेंट प्रभु को अर्पण करते हैं, प्रभु के चरणों में रखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, नहीं ये तो मेरे बेटे के लिए है, और बेटा चाहे नशे में उड़ा दे। कुछ लोग सोचते हैं ये उसके लिए है, ये इसके लिए है, मेरे भाई के लिए, मेरी मम्मी के लिए, और वो चाहे कैसे भी बीमारियों में उड़ा दे। कुछ लोग तो बीमारियों के लिए पैसा रखते हैं संभाल कर, कि कोई बीमारी आ जाएगी ये पैसा काम आएगा, पहले एडवांस में बीमारी के लिए रखते हैं। हम लोग इसलिए जोड़कर रखते हैं कि प्रभु कला का अगर चर्च के लिए कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी तो पैसा वहां से उठाएंगे, खर्च कर देंगे। लोग बीमारियों के लिए रखते हैं, हम लोग रखते हैं खुशी के कामों के लिए, ठीक है। तो वो, लेकिन जब उसने बच्चे ने अपना जो कुछ था प्रभु के चरण में रख दिया, वहां पर चमत्कार हुआ। आज जब अपने आप अपना धन आप प्रभु के चरणों में रखते हैं, आप जब अपना धन प्रभु के चरणों में रखते हैं, वह उस धन पर चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। किसी पास्टर की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। जब आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर को अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। उसने रोटी प्रभु के चरणों में रखी और रोटियां मल्टीप्लाई होगी और धन्य 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 हो गया, वहां चमत्कार हो गया। जब आप अपना धन, अपना सोना, अपनी चांदी, अपना सब को प्रभु के चरण में रखते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ता है और वो आशीष हो जाता है। हालेलुया। सो सिर्फ दो मिनट में आपको देता हूं, और इस दो मिनट में आप प्रभु के लिए अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आप आगे आकर प्रभु के लिए अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता। स्वर्ग परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु जी आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रभु यीशु जी। ये सारे भेंट दशमाशन मनते हैं हम आपको अर्पण करते हैं प्रभु जी। जो भी इन्होंने पैसा भेजा है, जिन्होंने भेजने का निश्चय किया है प्रभु जी, उस सारे भेंटों को ग्रहण कीजिए मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर पिता। और जैसे आपने उस बच्चे की रोटी पर चमत्कार किया था और उसे बहुत बढ़ा दिया था, ऐसे ही
इनके धन पर चमत्कार करें और उसे मल्टीप्लाई करते बहुत बढ़ाकर इन्हें आशीष करें मेरे परमेश्वर पिता, ब्लेस करो। जैसे वो बच्चा आज भी हम उसे याद करते हैं, वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक पहुंच गया और उन हजारों लोगों में से वो बच्चा ही एक ऐसा निकला जिसको सब लोगों ने देखा कि ये एक विशेष बच्चा है। ऐसे ही आज हमारे बीच में जितने लोग भी अपनी भेंट प्रभु जी आपको अर्पण करते हैं, वो सारे भेंट बलिदान आप ग्रहण कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सारा आदर में हम आपको देते हैं। स्वर्ग पिता पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना सभा को आपको शुरू से लेकर आखिर तक चलाया, आखिर तक आपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपके आराधना के लिए जो हमने की उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपने उस आराधना को ग्रहण किया, आज के पवित्र वचन पर आशीष पाया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और मैं गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, जितने लोग हमारे बीच में हैं वो सब लोग आशीषित हों मेरे प्रभु परमेश्वर, ऐसा हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता इन सब लोगों की रक्षा करें, इन सब लोगों के साथ रहें, इस महामारी में इन्हें बचा कर रखें मेरे परमेश्वर पिता, इस दुनिया को महामारी से बचाएं मेरे परमेश्वर पिता। आप दया और अनुग्रह करो प्रभु जी, मुझ पर भी दया करें प्रभु यीशु मसीह जी, और मेरे परिवार पर भी आशीष करें स्वर्गीय पिता, ये मेरी प्रार्थना है स्वर्गीय पिता पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारा परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको संभाल के रखे, आपके साथ हमेशा बना रहे, ये मैं आशीर्वाद देता हूं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और सब लोग कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।